सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहनावतु सहनभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज इस योगानुष्ठान का, योग यज्ञ का, इस साधना का तीसरा दिन है और समग्र रूप से हमें रूपांतरित होना है दिव्यता में। शुरुआत आज के सत्र की हम व्यायाम के साथ करेंगे, फिर आसन प्राणायाम ध्यान समाधि का आनंद लेंगे। हमने योग से अपना वजन घटाया, मोटापा का कम होना ये तो मोटा सा उदाहरण है, ये तो एक बहुत स्थूल एग्जाम्पल है। जैसे ही मोटापा कम हो रहा है ऐसे ही शारीरिक स्तर पर, मानसिक भावनात्मक स्तर पर, संस्कारों के स्तर पर, चित्त के स्तर पर एक गहरा रूपांतरण, एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आइए एक एक क्षण ये रूपांतरण और गहरा होता जाए और हम पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएं, हमारा पूरा जन्म दिव्य हो जाए, हम दिव्यता से भर जाएं। शुरुआत के लिए सभी खड़े हो जाएंगे और लंबे गहरे श्वास भरते हुए एक एक श्वास के प्रति सजगता जागरूकता। जय कृष्णमूर्ति जो एक बहुत बड़े चिंतक विचारक हुए, उन्होंने योग और अध्यात्म को एक शब्द में कहा, जागरूकता, अवेयरनेस। जितने हम जागरूक होंगे ना उतना ही हमें ज्यादा मिलेगा।
लंबा गहरा श्वास भरते हुए, देखो ये 12 अभ्यास और इसके बाद सूर्य नमस्कार, लंबे लंबे श्वास भरते हुए करना, और एक एक श्वास के साथ मेरा दिव्य रूपांतरण हो रहा है, मेरे तन में, मन में, मेरे चित्त में, भाव में एक दिव्य रूपांतरण हो रहा है। इस भाव के साथ, प्रार्थना के साथ आप हर रोज योगाभ्यास कर लेना, जप के साथ तप करना। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। लंबा गहरा श्वास। अब जो बुजुर्ग हैं, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, कमजोरी है, तो लंबे लंबे श्वास तो ले सकते हैं ना। ये भी रूपांतरण के लिए बहुत है। जिसका जितना सामर्थ्य श्रम उतना करे, लेकिन परिणाम सबको मिलने वाला है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। मतलब की कहकर दिन रात अपनी मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, हे नाथ अब तो कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। काम प्रेमी बनाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ न फैर जाए, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक
कर लूं अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। पहले दिन पांच बार करवाया था, अब इसको बढ़ा लो। आपकी साइडें कितनी मोटी हो रही हैं, आगे पीछे कितना ही मोटापा बढ़ गया। ये तो स्थूल रूपांतरण की बात है। मन में कितना ही गहरा अंधेरा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने, अविद्या स्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश क्लेश ने, प्रमाण विपर्य विकल्प त्रस्त स्मृति आदि वृत्तियों ने, अशुभ ने आपको चाहे कितने ही घेर रखा, योग है शुभ का आह्वान, शुभ का आधार। लंबा श्वास भर दे साइड से हल्का करने के लिए। योग में प्रथम व्यायाम से ना आपके शरीर को रूपांतरण के लिए पूरा तैयार कर देते हैं, और फिर जब प्रार्थना के साथ भक्ति के साथ प्राणायाम और ध्यान करते हैं ना तो सब कुछ रूपांतरित हो जाता है। लंबा गहरा सांस भर दिया, आइए आगे बढ़ते हैं। कमर में दर्द है तो आगे ले जाओ, करना कितना ध्यान रखना। दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंद मैं भी ज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए, आनंद मैं भी ज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए, नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जन न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ न पाया मेरे बनाए। जीवन निरर्थक जाने पाए, जीवन निरर्थक जाने पाए।
योगिक जो आपके शरीर में मन में शक्ति स्फूर्ति उत्साह और शरीर आपके काबू में रहने से आपका तन आपका मन आपके जब काबू में रहेगा ना तो आपको बहुत आनंद आएगा। गुलाम व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। जो राजनीतिक गुलामी हो तन की गुलामी हो इंद्रियों की या मन की गुलामी हो पराधीन को कभी स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकते। ये तो हमारी परंपरा ने हमें सिखाया है। चलिए स्वाधीन होना स्व से लेकर के राष्ट्र तक दोनों पैर पास में धीरे धीरे पूरी एकाग्रता के साथ लंबे लंबे सांस भरते हुए श्वासों की ऐसी तान ऐसी लयबद्धता ऐसा रिदम टूटे नहीं। कोशिश कीजिए कहने पर जितना बैठ पाए उतना बैठ जाए चाहे इतना बैठे चाहे इतना बैठे फिर दहना भी किसी फिर उठ गए सामने से फिर के ना भी को इतना हो जाए तो इतना कर लेना इतना हो जाए तो इतना पूरा हो जाए तो ऐसे कर लेना फिर दाहिना पैर लिया इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। प्रैक्टिस के बाद परफेक्शन आएगा कोई बात नहीं। बैठ जाइए। दंड बैठक लगाने की उम्र बहुतों की निकल गई है। जो जवान जवान है वो लगा लेना जैसे मैं लगा के आया हूं। पहले पैर सामने खोल लीजिए। जो ये योगिक जोगिंग भी ठीक से ना कर पाए सूर्य नमस्कार ना कर पाए वो बार है सूक्ष्म व्यायाम या हल्का व्यायाम। जवानों के लिए तो दंड बैठक वाला तेज व्यायाम कराते हैं। जो बारह दंड आठ बैठक आपको हम बताते हैं लेकिन जो बड़े बुजुर्ग और जवान भी सप्ताह में एक बार तो जरूर कर लिया करें। ये देखो सूक्ष्म है। एक सिद्धांत सभी व्यायाम करते समय लंबे लंबे श्वास भरे शरीर की एक एक संधि के अंदर विकार इकट्ठे हो रखे जैसे मस्तिष्क की एक एक कोशिका में अशुभ संस्कार राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तमाम क्लेशों से हमारा चित्त जैसे भरा हुआ है। दो तरह के विकार हैं एक तन के एक मन के। तन के भी एक एक कोशिका में जो विकार भरे हुए हैं उसको बाहर करना है हमें बॉडी को डिटॉक्स करना है। और ये विकार निकलते हैं पसीने से। अब पसीना आ रहा है ना इससे बाहर निकलेगा। श्वास से विकार बाहर निकलते हैं मलमूत्र से विकार बाहर निकलते हैं संकल्प से विकार बाहर निकलते हैं। तन में मन शिव संकल्प मस्त एक एक क्षण रूपांतरण हो रहा है। जब हम उच्च चेतना से युक्त होकर के शरीर इंद्रिय और मन के विकारों से शरीर इंद्रिय और मन के अशुभ से शरीर इंद्रिय और मन की पराधीनताओं से दुर्बलताओं से कमजोरियों से मुक्त होकर के उच्च चेतना से युक्त होकर के जब हम जीवन जीते हैं तो यह सहज जीवन यह सहज समाधि यह जीवन मुक्ति का भाव हमें बहुत ऊंचाई तक लेकर के आता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये हैं हल्के हल्के अभ्यास लेकिन इनका बड़ा फल है।
मैंने कहा था हमारी मन की दो फ्रीक्वेंसी है, मोबाइल की तरह समझो अपने मन को, दोनों की एक ही राशि है, मोबाइल की भी मन की भी। मोबाइल की फ्रीक्वेंसी जहां से मैच हो जाती वहीं से फिर घंटी आने लगती है, आपका संवाद शुरू हो जाता है। टीवी है, रेडियो है, जितने भी ये विज्ञान के साधन हैं, जितने भी ये सैटेलाइट हैं, ये फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। हमारा तन और मन ये भी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इसके दो मुख्य मोड हैं, जैसे आपके मोबाइल में कई मोड होते हैं, इसमें मन में मुख्य दो मोड हैं, एक नेगेटिव मोड, एक पॉजिटिव मोड। उसको एक को बोलते हैं हम हायर कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियस, उच्च चेतना। एक है निम्न चेतना, नकारात्मकता, निराशा, संशय, भय, भ्रम, भ्रांति। संशय, भय, भ्रम, भ्रांति से मुक्त होकर के, निर्विकार होकर के, निर्विचार होकर के, निर्द्वंद होकर के, निर्वैर होकर के, निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के, निराभिमानी होकर के, बस पूर्ण समर्पण के साथ ऐसे ये योगाभ्यास करते जाना। देखो दाहिने पैर को उठा लो, बाएं पैर रख लो। जब आप योगाभ्यास शुरू कर देते हैं ना, लंबे लंबे सांस भरने शुरू कर देते हैं, हर एक श्वास के साथ ओंकार का ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप ही आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, पॉजिटिव मोड पर सेट हो जाती है। आपको मोबाइल में जैसे सर्च करना पड़ता है, सर्च करके फिर आपको ढूंढना पड़ता है कि आपको साइलेंट पर जाना है कि रिंग टोंग पर जाना है, कैसी रिंग टोंग पर जाना है, फिर आपको मीटिंग बोर्ड पर जाना है, किस, वो आपको डिसाइड करना होता है। तो ये सर्च करके बता दिया है आपको, ये रिसर्च करके आपको बता दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने, कि अपने मन की फ्रिक्वेंसी को पॉजिटिव मोड पर रखने का साधन है भगवान की भक्ति। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। मानव जीवन में बहुत चुनौतियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, बहुत दुख हैं। व्याधि, स्त्यान, संस, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। लंबे लंबे सांसों के साथ करते रहो, ये तो आपको इसका पूरा विज्ञान समझा रहा है। दुख दूर मनस्य अंगमेजत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुआ। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। दूसरे पैर से कर ऐसे करते रहना, विराम नहीं, विश्राम नहीं। चरई वैती चरण वही मधुबिंदती इंद्रा चरत सका। भगवान की कृपा मिलेगी, दिव्य जन्म होगा, दूसरा जन्म होगा आपका। बस थोड़ा पुरुषार्थ आपको खुद करना पड़ेगा। कृपा पाने के लिए पात्रता होनी चाहिए। माता पिता हो, सामान्य इंसान भी हो, उनके पास कोई भिक्षा लेकर का पात्र लेकर के आए और उस भिक्षा के पात्र में गंदगी पड़ी हो, मलमूत्र पड़ा हो, गोबर पड़ा हो, तो उसमें माताएं कितनी ही दानशील हो, कितने ही दयालु हो, आप उसमें भिक्षा पात्र में भिक्षा तब तक नहीं डालेंगे जब तक वो साफ ना हो। जब उस पात्र में भिक्षा नहीं दी जाती है जो साफ नहीं होता है, भगवान कितने ही दयालु हैं, कितने ही कृपालु हैं, वो भी कृपा तभी करते हैं जब हमारे जीवन में पात्रता है। और पात्रता होती है कर्म से, पात्रता होती है सुचिता से। अपने हृदय के द्वार उस अनंत की ओर खोल के रखो, पूरी श्रद्धा से उसकी कृपा का आह्वान करो और जीवन में पवित्रता रखो।
ऐसे पांच पांच बार दस दस बार घुमारिया करो, ये भी बहुत अच्छा है मोटापे के लिए, पेट के लिए, वेट के लिए, पूरे शरीर को ही तो ठीक कर ले। दोनों पैरों को तलवों से मिला, लंबे लंबे श्वास, पूरी एकाग्रता एक एक श्वास के साथ प्रभु की कृपा का आह्वान, उसका ध्यान। पूर्ण समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर, ईश्वर निधान आत्मा तीव्र संवेगा नाम आसन। महर्षि दयानंद मुक्ति के चार साधन बताए सत्यार्थ प्रकाश में, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति, मुमुक्षत्व। विवेक का अर्थ होता है ज्ञान, सत असत का, धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का, शुभ अशुभ का, आत्मा परमात्मा प्रकृति का। ज्ञानान मुक्ति ही रीति, ज्ञानान न मुक्ति ही नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियाः, ज्ञानम् लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। दृढ़ सामने मुक्ति का पहला साधन, मुक्ति की युक्ति विवेक। सबसे ऊपर मस्तिष्क है, विवेक और पुरुषार्थ, विवेक और कर्म, श्रम, ये दो जीवन में जुड़ गए तो आपके वैयक्तिक जीवन में, आपके पारिवारिक सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में असफलता का प्रश्न ही नहीं। इस पूरे देश का जब विवेक जागृत था और इस पूरे देश के लोग जब पुरुषार्थ को ही अपना धर्म मानते थे, तब ये देश पूरे विश्व का सिरमौर था। जब से हमने ज्ञान की आराधना बंद कर दी और पुरुषार्थ की साधना को कहीं विराम मिल गया, हम आलस्य प्रमादी हो गए, तब से ही तो दरिद्रता ने, अंधकार ने, गरीबी, भूख, अभाव ने इस देश को घेर लिया, देश को पराधीन बना दिया। इसलिए ज्ञान की साधना हमने तो प्रतीकात्मक रूप से सरस्वती देवी की आराधना की, लक्ष्मी की आराधना की, दुर्गा की आराधना की। ये प्रतीकात्मक साधनाओं का स्वरूप जो हम देखते हैं उसका बहुत गहरा अभिप्राय है। मैं कह रहा था मुक्ति का साधन, मुक्ति की युक्ति विवेक, सबसे ऊपर विवेक। सब जगह विवेक से काम लो, भक्ति भी विवेक से करो, विश्वास भी विवेक पूर्वक करो। सबसे ऊपर मस्तिष्क विवेक ज्ञान, नीचे काम कर्म, और विवेक के बीच में आती है भक्ति, भक्ति पूर्वक कर्म करना, और ज्ञान भी श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। लंबे लंबे श्वास भरते हुए विवेक मुक्ति का पहला साधन है, जीवन में पूर्णता की प्राप्ति के लिए विवेक रखना। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्ति स्थः, अधो गच्छन्ति तामसाः। दोनों हाथों को उठा लीजिए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ के गले को पकड़ लीजिए,
जरा सुनना गौर से, जो विवेकशील है वो सदा आगे बढ़ते हो, प्रोग्रेसिव होते हो, विकास करते हैं। वो अपना कैरियर बना लेते हैं, जो विवेकशील है वो खुद आगे बढ़ते हैं, अपने परिवार समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ा देते हैं। जो ताम राजसिक लोग हैं वो राग द्वेष में पिसते रहते हैं, उलझे रहते हैं, और जो मूढ़ी हैं तमस में जीते रहते हैं, अज्ञान में जीते रहते हैं, संशय भय भ्रमभ्रांति में जीते रहते हैं, संसात्मा विनश्यति अधोगच्छन्ति तामसा, उनकी अधोगति होती है, नीच गति को प्राप्त होते, दुर्गति को प्राप्त होते। विवेक, और विवेक की पराकाष्ठा का नाम ही है वैराग्य। ज्ञानस्यु पराकाष्ठा वैराग्यम, महर्षि वेदव्यासी का सूत्र। विवेक वैराग्य ये दो साधन है मुक्ति के। आपको सूक्ष्म व्यायाम करते हुए छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, साधना से, जीवन से जुड़ी हुई, अध्यात्म से जुड़ी। षट्क संपत्ति, शम दम, इंद्रियों और मन के ऊपर निग्रह रखना, नियंत्रण रखना विवेक पूर्वक। जोर जबरदस्ती कभी भी नियंत्रण नहीं होता। शम दम उपरति, उपराम रहना। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सब रसों का रस तो प्रभु की भक्ति है। लंबा गहरा श्वास भरते हुए, जिसको प्रभु का आश्रय मिल गया उसके लिए सब रस निरस हो जाते। शमदम उपरति, तितिक्षा जिज्ञासा, उत्कंठा भूख, अभीप्सा, प्रभु की भक्ति की, प्रभु मिलन की, प्रभु दर्शन की, अखियां हरि दर्शन की। प्रभु न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए तेरे बिना, सोना सोना है मन का उपवन। अब तो प्रभु आन मिलो, अब तो सब अंधेरा मिटा दो, अब तो अपने शरण में ले लो प्रभु तेरी शरण। भगवत शरणागति, भगवत शरणागति। शम दम उपरति, तितिक्षा, फिर श्रद्धा, श्रद्धा की पराकाष्ठा, विश्वास का अतिरेक। शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, फिर समाधान हो जाएगा। श्रद्धा से ही समाधान होता है। गोल गोल कुमार, गर्दन में ज्यादा दर्द होता है कि मैं चुका हूं। मुक्षत्व, मुक्ति का चौथा साधन। शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इसको षट्क संपत्ति बोलते हैं। विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति, फिर मुमुक्षत्व। एक तरफ एक विरह, एक लगन, एक कभी भी न मिटने वाली, कभी भी न खत्म होने वाली ऐसी तड़फ, ऐसी लगन, अखंड प्रवाह भक्ति का, ज्ञान का, कर्म का, समर्पण का। जो एक बार विश्वास हुआ तो टूटना नहीं चाहिए। विश्वास टूट गया, यही तो विश्वासघात है। ये अध्यात्म में नहीं, भक्ति में भी, भगवान में भी नहीं होना चाहिए, और संसार में भी नहीं होना चाहिए, न इंसान के साथ न भगवान के साथ। विश्वासघात, विश्वास टूटे नहीं। बैठ जाओ, वज्रासन। कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता का मतलब होता है किसी के उपकार को स्वीकार करना। भगवान का कितना बड़ा अनुग्रह हम पर, हर पल उस प्रभु की अनुग्रह को याद कर करके
बस उसकी यादों पे जीते रहे। प्रभु तूने कितना बड़ा अनुग्रह किया मनुष्य का जन्म दिया। मैंने आपको बार बार कहा है ना कि मैं भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं करता कि प्रभु तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, मुझे ऐसा रूप क्यों नहीं दिया, ऐसा शरीर क्यों नहीं दिया, ये ऐसा तन क्यों नहीं दिया, ऐसा धन क्यों नहीं दिया, ऐसी जमीन क्यों नहीं दी, ऐसे कुल खानदान में मुझे जन्म क्यों नहीं दिया कि पैदा होता ही लाखों करोड़ों का मालिक होता। जो मैंने नहीं किया मैं उसका पाने का अधिकारी नहीं, जो मैंने नहीं किया मैं उसका क्रेडिट, मैं उसका श्रेय भी नहीं लेना चाहता, उसका सुख भी नहीं लेना चाहता। जो अपने पुरखों के पाई हुई संपत्ति, अपने पुरखों के पाए हुए ऐश्वर्य के ऊपर राज करते हैं वो राजा नहीं, वो भिखारी। याद रखना इस बात को हमेशा। जो मैंने नहीं किया मैं उसका श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं उसका सुख नहीं भोगना चाहता और उसे अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता। जो मेरे माँ बाप ने किया उसका श्रेय उनको है, उसका सुख वो भोगे, उसका पुण्य उसको मिले। हाँ मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसका करने का श्रेय मैं लेना भी नहीं चाहूंगा, चाहे जमाना मुझे दे मैं उसका भी सुख नहीं लेना चाहूंगा, मैं तो वो भी भगवान के लिए करूंगा, लेकिन मैं जो करूं उससे मेरे माता पिता कुल वंश का नाम हो, ये मेरी शान है, ये मेरी पहचान है। ऐसा भाव रखना चाहिए जीवन के हर क्षेत्र में। प्रभु के अनुग्रह को याद करना कि प्रभु तूने मनुष्य बना दिया, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बाकी तो सब हम इस मनुष्य का जन्म बाकी सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य का जन्म मिल गया, इस अनुग्रह को सदा याद रखना, इस कृपा को, इस उपकार को। और मनुष्य का जन्म पाकर के भी तुम कुछ ना कर पाओ, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ये 12 अभ्यास पथिक जी का एक भजन हमने शुरू में बोला, बहुत अच्छे साधक थे वो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो। एक दूसरा भजन जो हमारे गुरुजी को भी बहुत प्रिय है, फिर मत कहना कुछ कर न सके। गुरुजी ने तो ये भजन सुना तो घर ही छोड़ दिया, फिर सन्यासी बन गए, योगी बन गए। श्वास बाहर छोड़ो, आगे ये मेरे साथ साथ ही अभ्यास करते रहना, आराम आराम से करना, जल्दबाजी से नहीं। और जीवन में संकल्प कि इसी जन्म में मुझे अंतिम सत्य को पाना है, इसी जीवन में मुझे समस्त पराधीनताओं से मुक्त होना है। रोगों की तो बात छोड़ो, मुझे तो मुक्ति भी पानी है भाव बंधनों से, रोगों से तो मुक्ति हो ही जाएगी, योग की युक्ति ही ऐसी है। फिर मत कहना कुछ कर न सके, 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 कर लो यदि शरीर पूरा साथ नहीं दे रहा है, फिर मत कहना कुछ कर न सके, नहीं जीवन अब तक संवर सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, यदि भव सागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना।
कहना कुछ कर न सके। आराम आराम से होले होले जितना हो जाए उतना ही कर ले, करते रहे ना, फिर कहोगे तो कुछ कर ही नहीं सके, बिना किए कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने कहा था कर्म का फल अनंत है, चाहे योग कर्म कर लो चाहे भोग कर्म कर लो। होले होले कर जितना हो जाए उतना कर लो, यथाशक्ति। सत्य तत्व ज्ञानी हो कर तुम सद्धर्मी दानी हो कर, तुम सत्य तत्व ज्ञानी हो कर तुम सद्धर्मी दानी हो कर, यदि सरल निर्भिमानी हो कर, यदि सरल निर्भिमानी हो कर, कामना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। चार आसन बैठ कर, चार आसन लेट कर, पीठ के लिए बहुत जरूरी, कमर में दर्द, सिर्फ इसके मृदंड की बात समस्या है, सबके लिए बहुत जरूरी। जो कुछ भी पाओगे सब यही छोड़ कर जाओगे, लंबा लंबा श्वास। जग में जो कुछ भी पाओगे सब यही छोड़ कर जाओगे, जग में जो कुछ भी पाओगे सब यही छोड़ कर जाओगे, पछताओगे तुम यदि अपना, पछताओगे तुम यदि अपना, पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। एकाग्रता के साथ लंबा सांस करते हैं, एक एक अभ्यास को 3 से 5 बार कर सकते हैं आप। जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा, जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा, जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा, यदि शक्ति समय के रहते ही, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके, फिर मत कहना, फिर मत कहना कुछ।
कुछ कर न सके नहीं जीवन अब तक संवर सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके यदि भव सागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके नहीं जीवन अब तक समर सके, नहीं जीवन अब तक समर सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। मरकटासन, दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों घुटने पंजे पास, प्रयाश्चित करते रहते हम बार बार, अरे ये तो कर नहीं पाया, ये तो जीवन यू ही बीत गया, ये जीवन तेरा तुझसे यू ही बीत गया, मेरा जीवन यू ही बीत गया, मुझसे ना मेरा मीत मिला, ऐसी ऐसी प्रीत लगा बैठा, अपना सच्चा मीत मुझसे कहीं रूठ गया, घुटने पंजे पास में, घुटने पंजे पास में लय के साथ किया करो हर एक अभ्यास को, हर एक आसन को, तीन से पांच बार, कमर के लिए इतना अच्छा है, जिनकी हिप जॉइंट पेन कर रहे हैं, जिनकी कमर में दर्द है, जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको शटिका है, चलने में बहुत कष्ट है, वजन ज्यादा होने से घुटनों और कमर पर ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जितना ज्यादा वेट होता है वो 5 गुना होकर के कमर पर पड़ता है और 10 गुना होकर के घुटनों पर पड़ता है। अब सोच लो, जितना वेट होता है उसका 5 गुना प्रभाव कमर पर पड़ता है, 5 किलो वेट ज्यादा है तो 25 किलो का प्रेशर पड़ता है कमर के ऊपर, ये ट्रेंगल बनता है उसका, और 5 किलो वेट ज्यादा है तो 50 किलो एक्सेस वेट का प्रेशर पड़ता है आपके घुटनों के ऊपर। तो फिर जो घुटने 100 साल चलने चाहिए थे वो 30-40 साल में ही आपका साथ छोड़ देते, तन धोखा दे देता है आपको, मन धोखा दे के दे देता है, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, और विश्वासघात से बहुत दुख होता है, घुटने पंजे थोड़ी दूरी पर, दूसरों से धोखा मिले चलो उसमें तो आप पराधीन हैं, आप बेबस है, लाचार है, अरे भाई खुद से तो धोखा नहीं मिले, अपना तन अपना साथ दे, अपना मन अपना साथ दे, फिर तो दुनिया की सब झंझावातों को सह लेंगे, लेकिन अपना तन और अपना मन ही साथ ना दे फिर कैसे आगे बढ़े। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दुनिया से तुम मांगते रहते हो ये दे दो वो दे दो, क्या देगी दुनिया, इसलिए कभी दुख भी हो ना तो किसी से कुछ नहीं कहना, भरोसा कर तो ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा, कभी सुख है कभी दुख है ये जीवन धूप छाया है, खुशी में ही बिता डालो बिताने ही माया है। दोनों पैर सीधे, एक एक पैर को उठाओ, मरकटासन का तीसरा अभ्यास बहुत ही अच्छा है,
जिससे जितना हो पाए ना उतना कर लिया करो, बहुत अच्छा है कमर के लिए। ऐसे यदि आपका शरीर पूरा फ्लेक्सिबल होता है ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिधर चाहो उधर तोड़ लो मोड़ लो शरीर को, तन ऐसा हो कि जिधर चाहे उधर उसको घुमा सके, मन ऐसा हो कि जहां चाहो वहां लगा सको, ये योग से आएगा। देखो कमर के लिए चार आसन बहुत महत्वपूर्ण, एक और है कमर को ऐसे ऊपर उठाया नीचे दबाया कठिन उत्तान आसन इसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है कमर के लिए, ऐसा समझ लो जिनको समझ में ना आ रहा हो। कमर को ऊपर उठाया नीचे दबाया, इससे कमर एकदम हल्की हो जाती, पवन मुक्त आसन, जिससे जितना बन पाई कर लेना। जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो सूक्ष्म व्यायाम और भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहना, एक एक क्षण बहुमूल्य है, एक एक क्षण जीवन का बीत रहा है, और जो वक्त हाथ से निकल गया वो कभी लौट करके नहीं आता। अंतिम समय वे ही नहीं पछताते जो हर समय समय का आदर करते हैं। समय का आदर करना, जब जीवन के अंतिम क्षणों में हम होते हैं ना, जब सामने मौत खड़ी दिखाई देती है तब हम सोचते अरे अब तो जीवन बहुत थोड़ा रह गया, हर दिन ऐसे जियो कि एक दिन के लिए ही जिंदगी है। मैं हर रोज कहता हूं मेरे लिए हर दिन एक जिंदगी के समान है, एक जीवन की तरह है, हर दिन मेरे लिए एक जिंदगी है, और उस दिन मुझे वो करना है जिसके लिए मैं धरती पर आया हूं, जिससे कि मुझे पछतावा ना हो कि जिसके लिए मैं आया था वो तो कुछ कर ही नहीं पाया। जिंदगी चाहे एक दिन की हो, 100 दिन की हो या 100 वर्ष की, उसको जीना ऐसे अंदाज से कि जीवन में कभी असंतोष ना हो, असंतुष्टि ना हो, जीवन में हमें प्रायश्चित ना करना पड़े। एक एक पैर को उठाइए नीचे लेकर के आइए, ये 3 अभ्यास अंत में हर रोज कराते हैं ना, बहुत जरूरी है, वेट को पेट को कम करने के लिए, शरीर को हल्का करने के लिए, हर श्वास के साथ ओम का ध्यान, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग ये अलग अलग नहीं है, हर एक कर्म को ज्ञान और भक्ति पूर्वक करना यही मुक्ति का सच्चा मार्ग है। बस बता दिया आपको, चलना हो तो चल लेना, और यही उलझ पुलझ रहना हो, संशय भ्रम में जीना हो, कुंठा में जीना हो, निराशा में जीना हो, और बार बार यही फिर पछतावा करना हो, तो फिर तो ये अंतहीन यात्रा है। ज्ञान और भक्ति पूर्वक कर्म करना यही मुक्ति का मार्ग है, यही जीवन का लक्ष्य है, ध्येय है। मैं कह रहा था एक एक क्षण रूपांतरण हो रहा है, बस उसको महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए, बड़ा बड़ा गोल गोल शून्य बनाइए, 5-5 बार तो कर लो भाई, अब बढ़ाते जाओ। तीसरा अभ्यास एक लिंक कर लो, जिससे जितना हो पाए, जो स्वस्थ हो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं मिला करके, लेकिन कमर में दर्द नहीं होना चाहिए, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, बीपी हाई है, शरीर में कमजोरी है, हड्डियां कमजोर है, तो दोनों पैरों से नहीं करना, बस ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, सावधानी। दुनिया में
हर क्षेत्र में रखनी पड़ेगी, खाने में, पीने में, चलने फिरने में, देखने में, सुनने में, हर समय सावधानी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी रखनी पड़ती है हर समय। सजग रहो, जागरूक रहो, होश में रहो, मदहोश नहीं होना। बेहोशी का जीवन दुखों से भर जाता है। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ जगह से थोड़ी देर रिलैक्स हो जाते हैं। सहज रहना, सहज रहना, सदा आत्मा भाव में जीना। तपस्वाध्याय प्रधानानि क्रिया योग, तप करना, तपो द्वंद्व सहनम, संघर्ष करना जीवन में, पुरुषार्थ करना, कर्म करना, यही कर्म योग है, यही क्रिया योग है, यही सहज योग है तप। लेकिन कर्म करते हुए, तप करते हुए, संघर्ष करते हुए, आत्मभाव से, आत्मस्वरूप से, आत्मस्मृति से आत्मचिंतन से दूर नहीं होना। आत्मभाव की विस्मृति नहीं होनी चाहिए, सदा भाव बना रही, मैं चैतन्य अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा, तो फिर आपको दुख नहीं होगा कभी जीवन में। कर्म करते हुए, संघर्ष करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, तप करते हुए, मेहनत करते हुए, जिंदगी की झंझावातों में, उलझनों में, संघर्षों में, चुनौतियों में आप आगे बढ़ते रहोगे यदि स्वाध्याय करोगे, आत्मचिंतन करोगे। स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जप मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययन, प्रणवादि पवित्र शब्दों का जप करना और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, गुरु भगवान को केंद्र में रखकर कीजिए, तब स्वाध्यायीश प्रणिधान उस परम गुरु परमेश्वर, उस परम पुरुष, उस जगदम्बा, उस भगवती मां के प्रति अनकंडीशनल सरेंडर। प्रभु तेरी हर बार 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 यही पुकार, प्रभु तेरी भगवत शरणागति। हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलू नहीं, दोनों हाथों को पकड़। एक बात ऊंचे संत हुए अभी कुछ दिन पहले, आप में से भी बहुतों ने उनके दर्शन किया होंगे, मुझे सभी राम सुंदास जी महाराज, वो पंचामृत के नाम से कुछ बातें हर रोज कहा करते थे अपने सत्संग में। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है, यही सच्चा संबंध। मैं जो भी कर रहा हूं सब प्रभु की आराधना, उसकी पूजा है। मैं जो भी देख रहा हूं सब उसी का स्वरूप है। मैं जो भी पा रहा हूं जीवन में वो सब प्रभु की कृपा का प्रसाद है। मैं ईश्वर पुत्र, मैं भगवान का बेटा, मैं भगवान की बेटी। बैठो सीधे, अब आपको कराते हैं प्राणायाम ध्यान। और जब जब ये भाव टूटे उसी समय भीतर से आवाज उठे, पुकार उठे, हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलू नहीं, दोनों हाथ घुटनों पर, हे नाथ हे नारायण, हे प्रभु, हे खुदा, हे अल्लाह, हे ऑलमाइटी गॉड, ओ ऑलमाइटी गॉड, हे मेरे परम पुरुष, हे अंतर्यामी, हे अकाल पुरुष, हे अजर अमर नित्य अविनाशी सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय तेजोमय दयालु कृपालु भगवान, मैं तेरी शरण। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मेरुदंड सीधा, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया,
जो कुछ अपने पास है वो धन किसी का है दिया, मधुबन किसी का है दिया। ये धन, ये जमीन, ये यौवन, ये शक्ति, ये ज्ञान, ये मति, ये ऐश्वर्य, ये रूप, ये सब कुछ प्रभु तूने दिया, मैंने अपना मान लिया, यही तो दुख का कारण है। आओ लंबे गहरे श्वास भरते हुए प्रार्थना के साथ दिव्यता से अपने आप को भरते हैं। ये सत्य है कि प्राण औषधि है। अवा तवाही भेषजम विवा तवाही यद्रपाह तम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। प्राण ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्मेति विजानत, प्राण वसु, प्राण रुद्र, प्राण आदित्य। प्राण ही संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्ति का आधार है और पूरा ब्रह्मांड शक्ति ही तो है। और ये चाहे चिकित्सा पद्धति हो या साधना पद्धति हो, पूरे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, अल्टीमेट टारगेट है, वो क्या है? शक्ति पाना चाहते हैं और शक्ति का स्रोत है ये प्राण। इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति हो प्राण से है। देखो इस इन पंच तत्वों की शक्ति के बारे में जरा सुन भी लो और कर भी लो प्राणायाम। जितना इस ब्रह्मांड में शक्ति है, ऊर्जा है, पावर है, एनर्जी है, वो सब प्राण से। जितना इस ब्रह्मांड में गंध और आकार है, गंधवती पृथ्वी, वो पृथ्वी से। पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्राएं और पंचभूत, इनका रहस्य समझो जरा। गंध और आकार पृथ्वी से, अग्नि रूपम जितना भी रूप है, ये अलग अलग रंग पिंड और ब्रह्मांड के जो तुम देख रहे हो, अलग अलग रंग इंसानों के, फूलों के, कलियों के, ये अग्नि रूपम, ये अग्नि से है सब रूप। आप प्यार ऐसा जितने भी रस हैं, स्वाद हैं, उनका स्रोत है जल और शक्ति का स्रोत है प्राण। और ये सब कुछ आता है ब्रह्म से ही सारा ब्रह्मांड है। और ये प्राण ब्रह्म है, उस ब्रह्म तक जाने का माध्यम। व्याधियों को मिटाना है, समाधि को पाना है, भ्रम से बाहर निकल के ब्रह्म तक जाना है। तो हमें अपनी मंजिल तो पता है, लेकिन साधन क्या है भाई? लक्ष्य तो सबका परमात्मा है, अल्टीमेट गॉल, अल्टीमेट गॉल इज गॉड। यहां पर कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। लेकिन वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो वाहेगुरु, अकाल पुरख मिलेगा कैसे? उसका साधन क्या, माध्यम क्या है? कहीं जाना है तो हमें कोई साधन चुनना पड़ता है ना, या तो पैरों से चल के जाए, या गाड़ी से जाए, घोड़े से जाए, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से जाए। कोई जाना के लिए कुछ साधन तो चाहिए ना, माध्यम तो चाहिए ना। अब अंतर जगत में उतरना है तो माध्यम क्या है? अंतर्यामी को पाना है तो माध्यम क्या? अंतर जगत में उतरने का माध्यम ही प्राण है। प्राण के माध्यम से भीतर जाओ। प्रणव तक जाना है तो भी तस्य वाचिका प्रणव, प्रणव आओ हर श्वास के साथ प्राणों को भरना। मेरा पूरा शरीर ज्योति से आलोकित हो गया, मेरे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो गया, सारे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मुझे आशीष दे रही है। ओम शनो देवी रविष्टया पोभवंत पीतये संयः अभिश्रवंत। प्रभु आनंद घन बरस रहा, ब्रह्मानंद बरस रहा ब्रह्म मुहूर्त में। बस भगवान की शरणागति, ये समाधान है। कुछ समझ में नहीं आता ना, ये तो समझ में आता है ना, भगवान है, भगवान से ही सब कुछ मिलेगा, उसी से सब समाधान। भस्त्री का प्राणायाम भाव से करना, ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में बैठ कर। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है।
लंबे सांसों के साथ। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है, जो कुछ अपने पास है, वह धन किसी का है दिया। वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। लंबा गहरा सांस भरे, प्राणों के साथ स्वयं प्रणव, स्वयं ब्रह्म मेरे भीतर प्रवेश कर रहा। मेरे रोम रोम में उस ओम की ज्योति आलोक प्रकाश व्याप्त हो गया। इस भाव से खड़े भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है, जो कुछ अपने पास है, वह धन किसी का है दिया। वह धन है दिया। मैं ही मेरा लंबे लंबे सांस, एक आराधना की तरह, एक अनुष्ठान की तरह, एक यज्ञ की तरह प्रणाम कर। पुरुषोवाव यज्ञ, ये जीवन एक यज्ञ है। श्वास प्रश्वास की आहुति, पांच प्राण ही पंचाग्नि है। ये पंचमहा यज्ञ हो रहा है। पांच मिनट वस्त्र का प्राणायाम से जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जो पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, यह राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला, जिंदगानी का खिला, मधुबन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला, मधुबन किसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है, जो कुछ अपने पास है, वह धन किसी का है दिया। वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा हाथ उठा करके आप भी गाओ। जग की सेवा खोजे अपनी प्रीति उससे
कीजिए जग की सेवा, रोज अपनी प्रीति उससे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। यह जान कर जी लीजिए साधना की राह में, साधना की राह में साधन कैसे का है दिया। साधना की राह में साधन कैसे का है दिया। जो कुछ अपने पास है, जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया। वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं मन किसी का है दिया। धन किसी का है दिया। धन किसी का है दिया। धन किसी का है दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय। सब कुछ उसी का दिया है। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद भस्त्रिका से ना प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पांच प्राण है। नाग कुरुम कृकर देवदत्त धनंजय, पांच अपप्राण इनका पोषण होता है। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय इन पांच कोशों को शक्ति मिलती है। भस्त्रिका से अपने आप को शक्ति से भरा, ज्योति से भरा। अब कपाल भाति से विकारों का विसर्जन, शुद्धिकरण की साधना। मैंने कहा था ना शक्ति और शुद्धि की साधना योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा। योग ऋषि स्वामी रामदेव, विकारों का विसर्जन अशुभ का विसर्जन, क्लेशों का विसर्जन अशुभ का विसर्जन, वासनाओं का विसर्जन। ऊर्ध्वरेता बन रहे मुराधार से सहस्रार्थ, अष्टा चक्र नव द्वारा देवानां पूरयध्या तस्यां हिरण्यः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत। तेरे भीतर ज्योति पुंज है, तेरे भीतर शक्ति पुंज है, पिंड में ही ब्रह्मांड है। मूलाधार से सस्रार तक अंतः शक्ति जगेगी, अंतः प्रज्ञा जगेगी। योग से हर श्वास के साथ ओम का ध्यान करते हैं, कपाल भाति प्रणाम कर। मैंने कहा था जप के साथ तप कर। सबसे बड़ा जप ओंकार का, प्रणवो धनु श्रोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवि। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। ओमिति काक्षरं ब्रह्म व्याहरन् वा मनुस्मरन् यः प्रयाति तेजं देहं स याति परमं। गुरुओं के पास जाके नामदान लेते हैं, गुरु आत्म तत्व परमात्म तत्व का बोध कराते, जीवन के सत्य का बोध कराते हैं गुरु जी। शुभ क्या अशुभ क्या, धर्म क्या अधर्म क्या, पाप क्या पुण्य क्या, कर्तव्य क्या अकर्तव्य क्या, जन्म क्या है मृत्यु क्या है, और इन सब से फिर पार ले जाते गुरु। वह जो सोए हुए को जगाते, गुरु वह जो भीतर की वासनाओं को मिटाते, गुरु वह जो शरीर इंद्रिय और मन की पराधीनताओं से मुक्त कराते, उस परम से मिलाते। ज्ञान का अंजन ऐसा डाला सारा अंधियारा दूर कर दिया, ऐसे गुरुवर को पढ़ा।
कपाल भाति प्राणायाम कर रहे हैं। मूलाधार से सहस्रार तक अपनी अंत शक्तियों को जगा रहे हैं, अंत प्रज्ञा को जगा रहे हैं। प्रार्थना के साथ करना, मैं कह रहा था जप के साथ तप करना। जप तप शक्ति पाने की सबसे बड़े दो स्रोत है। सबसे श्रेष्ठ जप, सबसे ऊंचा जप ओंकार का, सब गुरुओं ने यही मंत्र दिया, यही गुरु मंत्र। बहुत से भाई बहन कहते बाबा जी बस आपसे मंत्र लेना, आपको हमने गुरु स्वीकार कर लिया। ये ओंकार का जप, यही गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र के नाम पर उलझन में मत रहना। गुरु मंत्र के नाम पर कोई भ्रम नहीं पालना, यही गुरु मंत्र है, सत्य यही है। इसी ओंकार का जप किया शिव ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, सब महापुरुषों ने। एक ओंकार सतना गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जिनको हम अवतारी पुरुष कहते हैं, जिनके हम आराधना करते हैं, जिनको अपना आदर्श मानते हैं, ये अलग अलग आस्थाएं निर्मित हो चुकी है काल के प्रवाह के साथ, लेकिन ये अंतिम सत्य है, ये शाश्वत सत्य है, ये नित्य सत्य है कि सभी महापुरुषों ने, जिन इंसानों को हम भगवान का स्वरूप मान करके पूजते हैं, उन्होंने भी ओंकार का ही जप किया था। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम जन ओम तपा ओम सत्यम। अब प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि संयम और उससे सेल्फ हीलिंग सेल्फ रिलाइजेशन, इस साधना को आपको थोड़ा समझाते हैं करते करते। आप मूलाधार रीढ़ की हड्डी के मूल में अथवा मणिपुर चक्र में, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर, ये तीनों ही शक्ति के केंद्र हैं। जहां जिसको सुगमता हो, जहां जिसका मन करे, यथाभिमध्यानाद्वा, महर्षि पतंजलि का सूत्र है, सबके चित्त के संस्कार, सबके मन का प्रवाह अलग अलग है, क्योंकि ये जो जीवन है हमारा, ये प्रथम और अंतिम, ये तो जीवन का शाश्वत प्रवाह, तो अनेक जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में हैं। जिसका जहां मन टिके वहीं टिका लेना, वहीं लगा लेना, मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, मणिपुर में, ये तीनों शक्ति के केंद्र है। शक्ति जब योग में नहीं लगेगी तो भोग में बहेगी, उस शक्ति का अधोगमन होगा, उस शक्ति का पतन होगा। हमें गिरना नहीं है, हमें तो उठना है, हमें अपनी शक्ति को अधोगामी नहीं बनने देना, उसको ऊर्ध्वगामी बनाना, हमें ऊर्ध्व रेता होना है। जैसे हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हमारी आंखों में, हमारे कानों में, हमारे मस्तिष्क में, शरीर की एक एक कोशिका में अलग अलग तरह की शक्ति होती है ना, ऐसे इन चक्रों की शक्ति के बारे में जरा सुनते रहो। ये शरीर में जो शक्ति के केंद्र है, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर, फिर हृदय अनहत विशुद्धि, ये भक्ति प्रेम करुणा वात्सल्य के केंद्र है। आज्ञा चक्र ध्यान का, सहस्रहर ब्रह्म ज्ञान का केंद्र है। ये अष्ट चक्र नवद्वार, इस देह में देह देवालय शिवालय, इसी के भीतर राम, इसी के भद्र घनश्याम, इसी में बुद्ध महावीर, यही गुरुद्वारा, यही गिरजाघर, यही मक्का मदीना, यही काशी, यही मथुरा, यही हरिद्वार, यही कैलाश, यही मानसरोवर,
ते मन के सरोवर में ही कैलाश वास करते हैं। तत्त्वमशेषेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम 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 शिवोहम। कपाल भाति करते रहो, रुकना नहीं है भाई, देखो लेके साथ करना। और प्राणायाम से प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है स्वविषया संप्रयोगी चित्तस्य स्वरूपानुकार इंद्रियाणां प्रत्याहार। पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेन्द्रिया, पाणी पाद पायु उपस्त वाक, ये पांच तो कर्मेन्द्रिया जिनसे हम कर्म करते हैं, वाणी से बोलते हैं, हाथों पैरों से काम करते हैं, पायु उपस्थ से जो भी भीतर की अशुद्धि उसको बाहर निकालते हैं। पांच कर्मेन्द्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया है, नेत्र श्रोत्र घ्राण रसना त्वचा, त्वचा से स्पर्श का, रसना से अलग अलग स्वाद का, नाक से गंध का, कान से शब्द का, आंख से रूप का ज्ञान होता है। ये इंद्रियां, ये ज्ञानेन्द्रियां, ये कर्मेन्द्रियां जब मन के अधीन हो जाए, प्राणायाम करते करते इन इंद्रियों का मन में लय हो जाता है। अब जरा सुनना, ये बहुत गहरी साधना और करते रहना कपाल भाती, ये करते करते होगा, खाली सुनने से तो आपको खाली एक थ्योरी लगेगी, प्रैक्टिकल होगा इसका, ये व्यवहारिक प्रयोग है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई सपना नहीं है। लोगों ने कल्पना को सपना को ही ध्यान मान लिया है, इसलिए ध्यान कराते वक्त कराने वाले मैं देखता हूं बोलते रहते, बस सीख लिया, एक ने कहा दूसरे ने कहा, बस बोली ये कथा कर रहा था तो उसकी सुन के दूसरे ने करनी शुरू कर दी, ऐसे एक आदमी ध्यान सिखा रहा था बोले ध्यान करते समय बंदर आए गधा आए घोड़ा आए बस उसी का ध्यान करो फिर उससे आगे निकल जाओ, फिर बोले ऐसा करो आकाश में उड़ान भरो, फिर तुम सोचो कि तुम हरिद्वार में हो, तुम सोचो कि तुम मक्का मदीना में हो, तुम सोचो कि तुम वेटिकन सिटी में पहुंच गए, तुम सोचो कि कैलाश मानसरोवर में पहुंच गए हो, तुम सोचो कि गंगा के किनारे पहुंच गए, अरे कहीं नहीं पहुंचा यहीं बैठा है, ये तो झूठी बात है, इसको ध्यान नहीं कहते हम। यही सुन सोचो कि तुम मंदिर में पहुंच गए हो, घंटा घड़ियाल बज गए, तुम सोचो कि तुम्हें भगवान शिव जी के दर्शन हो गए, तुम सोचो कि माता पार्वती के दर्शन हो गए, तुम सोचो कि अब भगवान शिव के भगवान राम के मैंने सबके दर्शन करा दिया आपको यहीं बैठे बैठे, ये तो सोचने से, ये कल्पना है, ये कल्पना है, ये सपना है, ये तो स्मृति है, ये योग नहीं है, ये तो भोग है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये योग नहीं है, इसलिए सब स्मृतियों से बाहर निकल लो, सब रूप से बाहर निकलो। ये इंद्रियों के विषय जो हम ध्यान में सीखते रहते ना, ऐसा करो ऐसा सोचो ऐसा विचार करो ऐसी कल्पना करो, मेरे भाई निर्विकार जब तक नहीं होगे, निर्विचार जब तक नहीं होगे, निर्द्वंद निर्वैर निर्बीज जब तक नहीं होगे तब तक ध्यान लगेगा कैसे। कपाल बातें करते करते आपका वेट घटा रहे, पेट घटा रहे, कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे, हार्ट ठीक कर रहे, ये सब तो हो रहा है, करते रहो निरंतरता के साथ, निर्बीज होने पर, निर्द्वंद होने पर, निर्विकल्प होने पर, आपका ध्यान लगेगा, समाधि लगेगी, फिर अलौकिक शक्तियां मिलेंगी, फिर भगवान मिलेंगे, तब पता लगेगा ये समाधि क्या है। अब निर्बीज चित्त को निर्बीज करना, इंद्रियों का मन में, मन का आत्मा में, आत्मा का परमात्मा में लय होना, ये क्रम है। देखो कपाल भाती करते करते सुनना, इंद्रियों का मन में,
लय, इसको बोलते प्रत्याहार। मन का एक स्थान पर टिका देना उसको बोलते हैं धारणा, उसका की निरंतरता का नाम ध्यान। और फिर उस मन का फिर जो है आत्म तत्व में विलीन हो जाना, इसको बोलते हैं समाधि। और उस आत्म तत्व का फिर उस परमात्म तत्व के साथ एकाकार हो जाना, उसकी उसके साथ तन्मयता, तद्रूपता, इसको बोलते हैं फिर निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि। इसको बोलते हैं सहज समाधि, इसको बोलते हैं कैवल्य, इसको बोलते हैं मुक्ति, इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। तो ये होगा कैसे? ये होगा प्राणायाम से। प्राणायाम से इंद्रियों का, प्राण का अभ्यास करते करते, प्राणायाम करते करते इंद्रियों का मन में लय हो जाता, आपकी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती। देखो ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रिय अपने आप शांत हो जाते, ये अपने आप होगा प्रत्याहार। फिर अब थोड़ा सा प्रयत्न करना है आपको, क्या करना है? मन को टिका दो मूलाधार स्वाधिष्ठानीय मणिपुर। आइए आपको, आप मणिपुर में ही टिकाते भी करवा रहे हैं। मणिपुर चक्र, नाभि चक्र सबको दिखता है, इसी में मन को केंद्रित कर लो। नाभि चक्र एकाय व्यूह ज्ञानम, महर्षि पतंजलि का सूत्र है, संकेत है, साधना की एक विधि है, ध्यान की समाधि की एक प्रक्रिया है, कैवल्य मुक्ति का एक मार्ग है, उपासना की एक पद्धति है, प्रक्रिया है, ये प्रोसीजर है, ये मेथड है। नाभि चक्र में ध्यान लगाओ, यही धारणा यही ध्यान, धारणा की निरंतरता यही ध्यान है। इसलिए धारणा से जो अगला स्टेप है, जैसे बीज को बोया तो अगला स्टेप होता है उसमें अंकुर निकलता है, फिर अगला स्टेप होता है उसमें से वृक्ष निकलता है। ये बीज मंत्र दे रहे हैं आपको, धारणा ध्यान समाधि का, कैवल्य का, मुक्ति का, जीवन मुक्ति का, प्रतिप्रसव का, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन का, प्रतिप्रसव साधना का, शांभवी साधना का, ये शिव योग का, ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का, राजयोग का, अष्टांग योग का, क्रिया योग का, ये निर्बीज समाधि का, निर्विकल्प समाधि का। महर्षि पतंजलि ने पहला अध्याय लिखा, पहला चैप्टर, पहला पाद योग दर्शन का समाधि योग का, और उसकी समाप्ति होती है निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद ऋतम्रा तत् प्रज्ञा तच्च संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्याप निरोधे सर्व निधान निर्बीज समाधि। फिर क्रिया योग, तपस्व अध्याय श्रपणधान आने क्रिया योग, फिर अष्टांग योग, योगांगानुष्ठान शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आवेख्या यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधय अष्टांगान। फिर विभूति योग, फिर अलग अलग शक्तियां प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है, फिर कैवल्य, जन्मोषध मंत्र तप समाधि जा सिद्ध है, पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम प्रतिप्रस्वा कैवल्यम सुर प्रतिशवचित शक्ति रीति, जिसका मैंने आपको बार बार संकेत किया। मणिपुर चक्र में ध्यान करते हुए करना, यही धारणा यही ध्यान, यह मन को टिका देना ये धारणा, फिर यही मन का निरंतर टिके रहना ये ध्यान, मन का टिकाना यहाँ ये धारणा, उसका टिका रहना ये ध्यान, और फिर उसी में तल्लीन हो जाना बस। तदेव अर्थम आत्मनिर्भासम स्वरूप सन्निवेश समाधि, देश बंध चित्त से धारा तथा प्रत्येक धारा ध्यान, तदेव अर्थम आत्मनिर्भासम स्वरूप सन्निवेश समाधि, त्रयम एकत्र संयम तज्ज्ञात प्रज्ञालोक तस्य भूमिश्वर योग प्रातिभादवा सर्व। तो यहाँ एक ऐसी शक्ति पैदा होगी, एक ऐसी आभा, एक ज्योति, एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न होगा, वह आभा नीचे ऊपर पूरे पिंड में व्याप्त हो जाएगी, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगी, व्यष्टिगत शक्तियों से समष्टिगत शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित हो जाएगा, दैवी शक्तियां मुक्त पुरुष बुद्ध पुरुष बस उनके साथ संपर्क हो जाएगा, मुक्त आत्माएं बुद्ध आत्माएं उनके साथ संपर्क स्थापित, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग।
फिर अहिंसा सत्य स्थे ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा सोच संतोष तपस्वाध्याय प्रधानानि नियम यम नियम भी अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे। जो शुद्ध हो गया बुद्ध हो गया, तो ये शुद्ध होने की, बुद्ध होने की, निर्विचार होने की, निर्द्वंद होने की, निर्बीज होने की साधना है। जैसे बीज को आग में डाल दिया, ये प्रोसेस है निर्बीज करने का, बीज को थोड़ा आग में डाल दो फिर उसमें अंकुरण की क्षमता नष्ट हो जाती है। ऐसे ही योगाग्नि में हमारे तन और मन के सब विकार दग्ध हो जाते हैं, हम निर्बीज हो जाते हैं, फिर हमारे तन में कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा, मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। ये आपको निर्बीज समाधि का बीज मंत्र दे दिया, निर्बीज समाधि का ये बीज मंत्र। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। कपालभाति करते करते मूलाधार चक्र में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम और उससे प्रज्ञालोक, उससे निर्बीज समाधि, ये बीज मंत्र आपको दिया साधना। कपाल भाती करते करते थक जाओ आप और दूसरी जगह ध्यान लगाना चाहो तो आप अजय चक्र में ध्यान लगा सकते हैं, हृदय चक्र में ध्यान लगा सकते हैं, जहां जिसका अनुकूलता हो। ये तो मैं अभ्यास करा रहा हूं आपको, उसका व्यवहारिक स्वरूप बता रहा हूं। यथा अभिमत ध्यान, इसमें कोई आग्रह नहीं है कि कहां ध्यान करना, जहां लगे वहीं लगा लेना। या ये बाहर के आलंबन, जो बाहर का बाहर ध्यान लगाते हैं ना, किसी देवी देवता की आराधना करते हैं, देव आराधना करते हैं, पाषाण प्रतिमाओं का पूजन करते हैं हम, और बाहर त्राटक आदि करते हैं, दीपक पर, कोई सूरज पर, कोई अलग अलग तारों पर, कोई अलग अलग तरह की शक्तियां मिलती हैं, उसे सत्य है। ये अंतर ध्यान है, यह आंतरिक त्राटक है। चलो सीधे बैठ जाओ, आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में या मणिपुर चक्र में, जहां आपको अनुकूलता हो वहां ध्यान कर लेना। आंखें बंद करते हुए ओम ओम का ध्यान करना, प्रभु तेरी शरण, आंखें बंद करके रुकना नहीं, अब अनुलोम विलोम। कपाल भाति करते करते थके तो मूलाधार से सस्रार तक अंतःशक्ति को जगाना है और सब रोगों से विकारों से मुक्त हो जाना है, निर्विकार, निर्विचार, निर्भय, निर्द्वंद। अनुलोम विलोम आंखें बंद करके करना, लय के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना, प्रार्थना के साथ करना, एक अनुष्ठान की तरह करना। भाव से हे नाथ हे नारायण तुझे भूलू नहीं, तेरे अंग संगत जी हो तो। मेरा तो तू ही सब कुछ, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। गंगा दाई यमुना बीच में सरस्वती, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, सब नाड़ियों में प्राण की गति हो रही, भीतर से शक्ति मिल रही, सारी नस नाड़ियों का शोधन हो रहा, जो करोड़ों नाड़ियां हैं भीतर, 72 करोड़ से ज्यादा नाड़ियां हैं शरीर, सब शुद्ध होंगी, अष्टचक्र नौ द्वार सब शुद्ध होंगे, देह देवालय शिवालय।
अनुलोम विलोम प्राणायाम भाव से करना, निरंतरता के साथ करना, विराम नहीं विश्राम नहीं, निरंतरता। सत दीर्घ कान निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, अनुलोम विलोम भाव से श्रद्धा से निरंतरता के साथ। जीवन की टेढ़ी राहों पर चल कर ना तुझको जान सका, जीवन की टेढ़ी राहों पर चल कर ना तुझको जान सका, आशाओं की झोली भर जाए, आशाओं भर जाए, एक तेरा द्वारा मिल जाए, आशाओं की झोली भर जाए, एक तेरा द्वारा मिल जाए, एक तेरे दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरे दया का दान मिले। अल्पाज हूँ मैं सर्वाज है तू, मैं दीन हूँ दीन दयालु है तू, अल्पाज है मैं सर्वाज है तू, अज्ञान का पर्दा हट जाए, अज्ञान का पर्दा हट जाए, तेरा उजियारा मिल जाए, अजान का पर्दा हट जाए, तेरा उजियारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भवसागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरे दया का दान मिले। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, इतना तो भेद जरूरी है, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, इतना तो भेद जरूरी है, यदि शरण तेरे मैं पाना सका, यदि शरण तेरे मैं पाना सका, नर्तन तो दोबारा मिल जाए, यदि शरण तेरे मैं पाना सका, नर्तन तो दोबारा मिल जाए, एक तेरे दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरे दया का
तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरे दया का दान मिले। प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण। कोई भी प्राणायाम करे, भस्त्रिका, कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जायी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्राणाप्रीत, उसी में समाहित हो जाता। दोनों हाथ कंधों पर रख लीजिए, ऐसे हर रोज जप के साथ ही तप करना। सबसे बड़ा जप ओंकार का, सबसे बड़ा तप। सब मेरे साथ बोलेंगे, प्राणायामः परमं तपः। प्राणायाम सबसे श्रेष्ठ तप है, सर्वोच्च तप है, सर्वोत्तम तप है, सबसे सात्विक तप है, सबसे ऊंचा तप है। कई तरह के तप हैं, शरीर के तप, इंद्रियों का तप, मन का तप। शरीर का तप है सर्दी गर्मी, भूख प्यास सहने की शक्ति। इंद्रियों का तप है जितेंद्रियता, वासना से मुक्ति पा लिया आपने, अब मुझे भोग में नहीं फंसना, अब मुझे जितेंद्रिय होना है। ये इंद्रियों का तप, गृहस्थ होकर के भी परस्त्री का जागते समय ही नहीं, स्वप्न में भी चिंतन नहीं करना, और काम संबंध हमारे यहां पर खाली ये धर्म की ही बात नहीं, ये खाली नैतिकता की ही बात नहीं, परस्त्री के साथ में काम संबंध तो बहुत बड़ा पाप है। इससे आगे की बात, पति पत्नी को भी काम संबंध एक उद्देश्य के लिए स्थापित करना, बस ये इंद्रिय का तप हो गया, जितेंद्रियता। सबसे बड़ा तप काम के ऊपर विजय को माना जाता है, इंद्रियों का तप, शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप। मान होगा, अपमान होगा, सुख होगा, दुख होगा, लाभ हानि, जय पराजय, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब के बीच में सम रहना, ये मन का तप। फिर आहार का तप, ये कुछ आपने खाने की 10-20 चीजें छोड़ दी, जैसे गुजरात में मैंने बहुत देखा इस बात को, कहीं कहीं और दूसरी जगह भी देखा कि मुझे बैंगन नहीं खाना, मुझे ये गेहूँ नहीं खाना, मुझे ये सब्जी नहीं खानी, ये फल नहीं खाना, मुझे केला नहीं खाना, ऐसा तप करते हैं अलग अलग तरह से। जैसे हमने एक बार सोच लिया 15 साल पहले, हमें नन्ही खाना, तो जो है गेहूँ, चावल, बाजरा, मकई, जो ये सब जो भी अन्न है, दालें हैं, छोड़ दिए, छूट गई। तो ये आहार का तप है, ये कोई ठीक है, ये सब हमें आगे लेकर के जाते हैं। सभी तप जो है, शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, वाणी का तप, मौन होना, सत्य बोलना, ये वाणी का तप है। सत्य बोलना ये तप है वाणी का सबसे बड़ा, मौन ये भी वाणी का एक तप है, और सब तरह के तप से शक्ति मिलती है। तो सबसे बड़ा तप क्या है जिससे सारे तप हो जाएं, शरीर का तप, इंद्रियों का तप, वाणी का तप, मन का तप, सारा तप हो जाए, सारा तप जिससे सध जाए। कहते हैं एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कहां कहां किस किस को साधे साहब, सुबह से शाम तक ये तन नहीं चैन पड़ने देता, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, कभी हीटर चाहिए, कभी एसी चाहिए, आंखों को सुंदर सुंदर रूप चाहिए, कानों को सुंदर सुंदर शब्द चाहिए, रसना को सुंदर सुंदर स्वाद चाहिए, नाक को सुंदर सुंदर गंध चाहिए, त्वचा को सुंदर सुंदर स्पर्श चाहिए, अपने प्रियजनों से मिलके जिनसे हम प्यार मोहब्बत करते हैं, कोई हो चाहिए, वो सात्विक भी हो सकता है, वो राजसिक तामसिक भी हो सकता है,
गुरु अपने शिष्य को गले से लगा ले, माता पिता के साथ में मिलके अपनों का स्पर्श करके ऐसे कहते, बस तूने छू दिया, पता नहीं क्या जादू सा हो गया, स्पर्श करके सुख मिलता है। मैं कह रहा था साहब, ये एक एक इंद्रिय, ये रसना ये वासना यही चैन नहीं लेने देती, एक एक इंद्रिय एक एक विकार हमें अंधकार की ओर लेके जाता। शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, वाणी का तप, अलग अलग व्यवहार का तप, कैसे हो ये सारे तप? रिलैक्स होता प्राणायाम परम तप, प्राणायाम करोगे तो सारे तप हो जाएंगे, शरीर सध जाएगा, इंद्रियां सध जाएंगी, मन सध जाएगा, सब कुछ काबू में आ जाएगा। सबसे बड़ा तप किसका बोलो? प्राणायाम का। सबसे बड़ा जप किसका? ओंकार का। एक ओंकार सतनाम, ओंकारम बिंदु से युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, सबने इसी का जप किया। ओम इति काक्षरम ब्रह्म, यही ओंकाक्षर, एक एकाक्षर ओंकार यही है साधना का सबसे बड़ा मंत्र, यही है बीज मंत्र। बीज मंत्र सुना है ना, गुरु मंत्र सुना है, यही है। अब बात ये, दुनिया ना सब चीजों का मूल्यांकन पैसे से करती, यही मंत्र आपको मैं कान में दे देता ना, और उसके लिए 1,00,000, 10,00,000, 11,00,000 जितने भी फीस रख देता, आप जाकर के बोलते, पता है मैं गुरुजी से मंत्र लेके आया हूं, वो पैसे का अहंकार है, ये हमको चैन नहीं लेने देता। तो भाई हमने बता दिया तुम्हें जपना हो तो जप लेना, तरना हो तो तरना, और बाकी यूं ही भवसागर में मरना हो तो मरना, थारी मर्जी, अब इसमें क्या कर। चलो बैठो। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम, अरे कपाल भाति करो ना, जप के साथ तप करना है। ओ चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम, चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, ओम जपा कर, ओम, चंचल मन मेरे, ओ चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम, चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। समय की शुभ बेला में, प्रातः समय की शुभ बेला में, संध्या की पुलकित रजनी में, संध्या की पुलकित रजनी में, रोम रोम से निकले मेरे, रोम रोम से निकले तेरे, ओम जपा कर, ओम, चंचल मन मेरे, ओ चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम, चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर, स्वादिष्टान या मणिपुर चक्र में ध्यान, कवाल भाति प्राणायाम, जब के साथ तब के साथ, ओम भू ओम भव ओम स ओम ओम जन ओम तप ओम सत्य, गहरा
गहरा सागर टूटी नैया, गहरा सागर टूटी नैया, जीवन तरनी ओ मुखी भैया, जीवन तरनी ओ मुखी भैया, जो सच्चिदानंद रूप है, जो सच्चिदानंद रूप है, पार करेंगे वो चंचल मन मेरे, ओ चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी अनुलोम विलोम, सब प्राणायाम ओम ओम के जप के साथ करना, ये सबसे श्रेष्ठ जप, सबसे ऊंचा तप है। और कपालभाति करते 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 आप निर्बीज हो जाएंगे, निर्द्वंद हो जाएंगे, निर्वैर हो जाएंगे, निर्विकार हो जाएंगे, निर्मोह हो जाएंगे, निर्द्वंद्व हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, बद्ध हो जाएंगे। कह रहा था मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर हृदय अनहत विशुद्ध याज्ञ सहस्रार, किसी भी एक चक्र में मन को एकाग्र करके जप के साथ ये तप करना, व्याधि मिटेगी, समाधि भी लगेगी, शक्ति मिलेगी, परम शक्ति मिलेगी, परम सत्य का साक्षात्कार। नाम सरस रस रोज पिए जा, नाम सरस रस रोज पिए जा, जो घट घट में रमा हुआ है, जो घट घट में रमा हुआ है, पार करेंगे ओम चंचल मन मेरे, हो चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम पल पल चिन चिन घड़ी घड़ी निज दिन, पल पल चिन चिन घड़ी घड़ी निज दिन, ओम जपा कर, ओ चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर, बोलिए सत्यानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। देखो जप के साथ ऐसे तप करना और पूरी तरह से समर्पित होकर के, तो देखना ऐसे ना एक क्षण में रूपांतरण हो जाता। मैंने देखा 20 साल का डिप्रेशन एक क्षण में दूर हो गया, 20 साल का सिर में दर्द एक क्षण में दूर हो गया साहब। हाँ, ये मैं आपको खाली कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूं, आंखों देखा सच कह रहा हूं, पुस्तक लिखी नहीं कह रहा हूं, आंखों देखी कह रहा हूं। और आंखों के द्वारा देखी भी विज्ञान के द्वारा परखी भी, कई बार आंखों देखी भी झूठ हो जाती। कपालभाति ऐसे अनुलोम विलोम, जब ऐसे मेरा वेट, मेरा पेट, मेरा बीपी, मेरा शुगर, एक दिन में बीपी, एक दिन में शुगर नियमित हो गया, एक एक दिन में लोगों का 100-100 पॉइंट कोलेस्ट्रॉल घट गया, ट्रैग्लिसराइड घट गया, सोच ही नहीं सकता कोई। एक भाई आया मेरे पास, उसका ट्रैग्लिसराइड था 1947 या कुछ ऐसे था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तेरा ट्रैग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, 1900 है, तुझे यहाँ रहना है तो रह जा, और जाना है तो चला जा, मरना होगा तो वहाँ भी मरेगा और यहाँ भी मरेगा, और बचना होगा तो यहां बचने की संभावना, वहां तो मरने मरने की है। बोले बाबा जी यहीं रख लो। मैंने कहा फिर क्लेम तो नहीं करेगा ना, कभी यहां मर गया तो कहेगा बाबा ने मार दिया। बोले बाबा मरना है तो मरना ही है, यदि यहां कुछ बस हो सकता है तो देख लो। आश्चर्य यह था कि पहले तो उसका किसी दिन 100, किसी दिन 200, 9 दिन में उसका 1500 ट्रैग्लिसराइड कम हुआ।
लोग कहते हैं बाबा ना इतनी बड़ी बड़ी बात है, अरे बाबा नहीं बोलते, होता है बाबा, क्या करूं मैं। अब देखो यहाँ ये जो भाई बैठे हैं, मैं कह रहा था आप सबका ना, दरअसल सबका प्रवाह कर्म की, भक्ति की, ज्ञान की पराकाष्ठा जिस दिन हो जाएगी उसी दिन उसी क्षण पूरा रूपांतरण हो जाएगा। अब आप भाई बैठे हो ना, किसी का 200 ग्राम किसी का 2 किलो कम हो रहा है ना, ये आपके डिटर्मिनेशन। आप कहेंगे बाबा जी हम तो पूरी श्रद्धा के साथ ही कर रहे हैं, फिर ये अलग अलग परिणाम कैसे आ रहा है? ये तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा छोड़ दो, बस उसके हाथों में सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों। हम है जीत तुम्हारे हाथों में है हार, अरे भगवान के हाथों में हार थोड़ी होती है, वहां तो जीतेगा तो हारेगा नहीं, वहां तो हारे हुए को जीत मिलती है। तो ये मोटापा तो कम होता है, ये तो मोटा उदाहरण है, बाकी सब कुछ रूपांतरित हो जाता है। बात कपाल भाती को ही होने दो, मिलो ओम ओम का ध्यान करते हुए आज का सार, योग का सार, योग का निचोड़, धर्म अध्यात्म का निचोड़, भक्ति साधना आराधना उपासना का निचोड़, समाधि का, सब शास्त्रों का निचोड़, जप के साथ तप करना, सबसे बड़ा जप ओंकार का, सबसे बड़ा तप प्राणायाम का, और ये सब ऋषि मुनियों ने किया, यही सत्य है, यही अंतिम सत्य है। और इसी से मैंने कहा सारे सारे तप प्राणायाम से संपन्न हो जाएंगे, और सारे जप का फल ओंकार के जप से मिल जाएगा, सारे तप सिद्ध होंगे किससे, प्राणायाम से, और सारे मंत्र सिद्ध होंगे ओंकार से, सारे जप सिद्ध हो जाएंगे ओंकार से। इसलिए ओम ओम के ध्यान के साथ भस्त्री का हर रोज ऐसे करना, आज के लिए नहीं हमेशा के लिए बता रहा हूं, ये 7 दिन तो प्रशिक्षण के है ना, कोई जिंदगी भर साथ थोड़ी रहना, जहां भी रहेंगे वहीं चैतन्य भाव से जीना है, और गुरु सत्ता को हर पल अनुभव करना है अपने आंखों के सामने, सूक्ष्म रूप में, आध्यात्मिक रूप से। और ये है सत्य है, एक हमारा व्यष्टिगत अस्तित्व है, एक समष्टिगत अस्तित्व है, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है वो हमारा अस्तित्व। तो गुरु सत्ता को 24 घंटा केंद्र में रख करके, उस भागवत सत्ता को 24 घंटा केंद्र में रख करके, उसकी बस अंग संग जीना एहसास के साथ जीना। कपाल भाती होंगे चलो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, ओम ओम के ध्यान के साथ। श्वासों की माला से सुमिरों में तेरा नाम, श्वासों की माला बना लो, बहुत माला जपी तो, सांसों की माला से सुमिरों में तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरों में तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, बन जाऊं बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, सांसों की माला से सुमिरों में तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरों में तेरा नाम। एक श्वास के साथ ओंकार का जप, प्राणायाम का तप,
मैंने कहा था असाध्य भी रोग हो ना तो आधा आधा घंटा कपाल भाते अनुलोम विलोम कर लो, 9 महीने करना, 9 महीने में 9 से 11 लाख बार आपका जप हो जाएगा, 9 से 11 लाख ये प्राणायाम का तप हो जाएगा, और ये 9 लाख बार का जप, ये 9 लाख बार का तप आपको मनवांछित फल देगा, जो आपके संकल्प है सब पूरे हो जाएंगे। अरे आपके संकल्प ही शेष नहीं रह जाएंगे, आप पूर्ण काम हो जाएंगे, पूर्ण तृप्त हो जाएंगे, पूर्ण काम, आप्त काम, पूर्ण तृप्त, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण मुक्ति, पूर्ण संतुष्टि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अनुलोम विलोम करो, रुकना नहीं, ये गलत बात, विराम नहीं विश्राम नहीं, निरंतरता के साथ करो, सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसन अखंड यज्ञ। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे, मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे, सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान, सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान, सांसों के माला से का प्याला, प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, रंग दे इस दिल को मैं कर दो मतवाला, प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, रंग दे मेरे दिल को कर दो मत वाला, मेरा है तन मन सब कुछ तुझ पे कुर्बान, मेरा है तन मन सब कुछ तुझ पे कुर्बान, सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम। सदा पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए, सदा पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए, विषयों में फंसकर हम बहक न जाए, विषयों में फंसकर हम बहक न जाए, इस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान, जिस दिन तू मिसरे निकल जाए मेरी जान, सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा
है कृपा निधान, बन जाऊं बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, सांसों की माला से सुमिरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरू मैं तेरा नाम, तेरा नाम नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलू नहीं, हर पल तेरे अंग संग जियो, कण कण में क्षण क्षण में हर पल में तेरा ही एहसास, तू है सदा मेरे पास, तू मेरा है मैं तेरा, ये भाव अखंड रहे, भक्त और भगवान का, पिता पुत्र का ये जो हमारा संबंध है, वो हमारी माँ है, वो हमारा पिता है, हम उसके पिता, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभू विथा अधाते सुमनवे। चलो रिलैक्स हो जाओ थोड़ा, करीब 2.25 घंटा हो गया आपको निरंतर योगाभ्यास करते करते। इस योग से क्या होता है ये हम इसलिए बताते हैं बार बार आपको, देखो यदि मैं एक शब्द में कहूं योग क्या है तो एक कल्प वृक्ष की कल्पना की गई कि एक कल्प वृक्ष ऐसा उसके नीचे जो मांगो बैठ करके, कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ करके मांगते हैं वो कामनाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा सुना है ना सबने, लेकिन ये कल्प वृक्ष कहीं मिला नहीं, मिला कल्पनाओं का वृक्ष है ये तो कल्प वृक्ष, लेकिन ये योग और यज्ञ ऐसे कल्प वृक्ष हैं, यज्ञ करके यज्ञ में बैठ करके जो भी पवित्र कामना करते हैं, सत्याः संतु यजमानस्य कामः, पूर्णः संतु यजमानस्य कामः, सफलाः संतु शुभाः संतु शिवाः संतु यजमानस्य कामः, यज्ञ करके और योग करके, ये योग यज्ञ है, ये योग कल्प वृक्ष है, जो चाहोगे वो पाओगे, एक बार करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा योग ही कल्प वृक्ष है, ये है कल्प वृक्ष का रहस्य। आज आपको बीज मंत्र का, गुरु मंत्र का, तप का और कल्प वृक्ष का रहस्य बता दिया है, कल्प वृक्ष बता दिया है, बैठ के मांग लेना, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, नहीं मांगू नहीं, नीचे बैठना पड़ेगा योग की छाया में, तब फिर तुम्हारी काया ठीक हो जाएगी, माया तो अपने आप मिलेगी जब काया ठीक होगी, तो नहीं मरा भाया, काया ठीक नहीं होगी तो ये माया कछु काम नहीं आएगी। खैर आइए भाई ये प्राणायाम करते हैं, तीन बंद के साथ कर लेना, त्रिबंद के साथ बाह्य प्राणायाम, हजारों में से किसी एक का वजन बढ़ भी जाता है योग करने से, हाँ वो उनके शरीर में लगने भी लगता है फिर आहार, तो उनको फिर गर्म पानी पीना चाहिए, थोड़ा उपवास कर लेना चाहिए तो ठीक हो जाएगा, किसी किसी का वजन बढ़ भी जाता है, खुराक भी तो लगती है शरीर को जो आवश्यक है, लेकिन जो एक्सेस है उसको कम करने के लिए, किसी को ऐसा होता हो, मैंने कहा 500,000 आदमियों में से एक आधा ऐसे भी होता है जिसका बढ़ जाता है, उसको फिर गर्म पानी पीना चाहिए, डाइल्यूट हो जाएगा फिर उसका।
तीन बंद के साथ बाह्य प्राणायाम, जालंधर बंद, उडयान बंद, मूल बंद के साथ। अग्निसार पंद्रह बीस पच्चीस तीस बार ऐसे प्रैक्टिस की बात है, फिर नोली क्रिया भी हो जाएगी। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को भी सीटी ढीला छोड़ा, साइड से खींचा, गोल घुमा दिया ऐसे। अपने तन पर अपने मन पर पूरा नियंत्रण आ जाता है ना धीरे धीरे। स्त्री का पांच मिनट, कपालभाति पंद्रह मिनट, बाह्य प्राणायाम तीन से पांच बार, उज्जायी तीन से पांच बार, अनुलोम विलोम लगभग पंद्रह मिनट, भ्रामरी उद्गीत कम से कम पांच सात बार, फिर थोड़ी देर तीन से पांच मिनट कम से कम श्वासों पर ध्यान। ये सबके लिए सामान्य योगाभ्यास का एक अभ्यास क्रम बताया। असाध्य रोगों में इसका समय बढ़ा देते हैं, और आप जैसे इस समय विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तो थोड़ा इसका समय बढ़ा दिया गया है। करीब आपको 20-25 मिनट कपालभाति कराते हैं, 20-25 मिनट अनुलोम विलोम कराते हैं, तो इससे फिर आपकी शरीर की रूपांतरण की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गले को टाइट करके धीरे धीरे भरो,
तीन बार, पांच बार, सात, ग्यारह, इक्कीस बार तक कर सकते हैं, जिनको थायराइड 100% क्योर होता है। 99% बीमारियों को आप क्योर कर सकते हैं बिना दवा के, 99% आप ऑपरेशन से बच सकते हैं, और असाध्य रोगों से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। थर्ड फोर्थ स्टेज के कैंसर के रोगी भी, बस एक ही शर्त है, समय पूरा देना, टाइमिंग पूरा होना चाहिए, मेथड परफेक्ट होना चाहिए, निरंतरता कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, और श्रद्धा की, विश्वास की पराकाष्ठा। आप देखना, असंभव भी संभव हो जाता है। कपालभाति अनुलोम विलोम आपको पूरा करा दिया था, आओ अब आपको भ्रामरी उद्गीत कराते हुए अंतर जगत में ले चलते हैं, उस समष्टिगत शक्ति के साथ अपने आप आपका संबंध स्थापित हो जाता है। तो अदृश्य शक्ति इस पिंड और ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, उस परम ज्योति के साथ आपकी लो लग जाती है। पहली अंगुली माथे पर, ये अंदर की लो जगेगी, उससे लो लगेगी, पहली अंगुली माथे पर, शेष तीन अंगुली आंखों पर, अजय चक्र में एक आभा, एक प्रकाश, एक ज्योति उत्पन्न होगी, वह आभा मंडल पिंड ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त हो जाएगा, और आप उस अनंत के साथ एकाकार होंगे। कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मृदंड सीधा, आंखें बंद, मन सहज, समर्पण का, श्रद्धा का, विश्वास का तिरेक, लंबा गहरा श्वास, प्रभु की कृपा का, उसके अनुग्रह का अनुभव करते हुए, कृतज्ञता का भाव हृदय में, और भाव के साथ ओंकार का उच्चारण।
मौन हो जाते। वाचिक जप के बाद उपांशु जप, मानसिक जप, अजपा जप, ये अगली अवस्थाएं हैं जबकि दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ही, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा और प्राणों के साथ प्रणव की आराधना करते हैं। पहले हमने सक्रिय ध्यान किया, अब ये विशुद्ध ध्यान योग। पिंडे ब्रह्मांड सब ओंकार में, हृदय की धड़कन से, नाड़ियों की स्पंदन से ओंकार ही प्रतिध्वनित हो रहा है। सब कुछ ओंकार में, पिंड में, ब्रह्मांड में, जहां जहां तक मन जाए सब में उसी ओंकार का, उस भगवत सत्ता का दर्शन। सब आकार उसी निराकार से, सारी शक्तियां उसी प्रभु से, सब सुखों का स्रोत है, सब ज्ञान का स्रोत है, आनंद का स्रोत प्रभु तू ही, तू ही तू, तू ही तू। ओम तत्सत, ओम तत्सत। दोनों हाथों को पंखा रहेंगे।